नरेंद्र मोदी की मुश्किल अभी बढ़ गई है और जेडीयू ने ये मुश्किल बढ़ा दी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये जानने और समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 29 जून को, जी हां 29 जून को दिल्ली में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सीधे सीधे बीजेपी की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ा सकता है। और ये मुश्किल ऐसी वैसी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है कि इस मुश्किल का असर सरकार की सेहत पर भी पड़े। आपने देखा कि जब लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के बाद, मतलब चुनने के बाद, जब धन्यवाद भाषण चल रहा था सबका, तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह खड़े हुए थे। ललन सिंह ने जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ बहुत मजबूती से, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और स्पीकर के चयन पर दोनों में आम सहमति थी, ललन सिंह के इस भाषण के बाद लगा। लेकिन इस भाषण के दौरान ही एक ऐसी खबर आई जिसने बीजेपी की टेंशन हाई कर दी। अब वो क्या है, 29 जून को दिल्ली में ऐसा क्या होगा जिसमें ललन सिंह मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जेडीयू के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। सभी जेडीयू के विधायकों और सांसदों को इसके लिए न्योता भी मिल गया है। कहा यह जा रहा है कि 29 जून को जेडीयू अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाने जा रहा है। और बहुत ध्यान से समझिएगा, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा रही है जेडीयू की। ये शायद बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, यानी अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि ये जो कार्यकारिणी की मीटिंग है ये दिल्ली में रखी गई है। दिल्ली में मीटिंग रखने का एक क्या मकसद है, दिल्ली मतलब एक मैसेज सीधा सीधा सरकार तक पहुंचाना। और इस मीटिंग में किस बात पर चर्चा होनी है वो भी जरा ध्यान से समझिए। आपने देखा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं, उनके पांव छूते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार मोदी से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जो 29 जून की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी मांग रखने वाले हैं। मांग क्या है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप सब ये जानते हैं कि साल 2012-13 से ही, 2010 से ही बल्कि 2010 से ही नीतीश कुमार बिहार को जेडीयू, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे, जेडीयू भी यह मांग करती रही है। और नीतीश कुमार अब चूंकि सरकार में और किंग मेकर की भूमिका में, इसलिए नीतीश कुमार अब सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और इस दबाव से बिहार को बहुत बड़े ग्रांट्स मिल सकते हैं। और इसी वजह से नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बिहार को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि बिहार में करीब 3-4 महीने तो ऐसे होते हैं कि आधा से ज्यादा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है। उसी आधार पर, बिहार के पिछड़ेपन के आधार पर, नीतीश कुमार यह डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 29 जून की इस बैठक में क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से हम आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। पहली जो कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है उसमें 4 ऐसे जेडीयू के सांसद हैं जो इस बार जो सिटिंग सांसद थे, जो जेडीयू के सिटिंग सांसद थे, उनको टिकट मिला, चुनाव लड़ने उतरे और वो चुनाव हार गए। जब वो चुनाव हार गए तो बिहार में एक बगावत सी पैदा हो गई। और ये बगावत क्यों पैदा हुई, क्योंकि उनकी हार के पीछे कहा गया कि इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को वोट ही नहीं किया। जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को वोट किया लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को वोट नहीं किया, इसी वजह से जो जेडीयू के 4 सांसद थे वो चुनाव हार गए। एक तो नाराजगी है और इसका जो मसला है वो दिल्ली की कार्यकारिणी की बैठक में बहुत पुरजोर तरीके से उठने जा रहा है। अब जो दूसरा मसला, हमने आपको पहले ही समझाया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा है और इसके लिए करीब 15-17 साल हो गए बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की जो मांग उठाई गई थी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से, ये इस पर भी सारे विधायकों, और खबर तो यहां तक है कि विधायकों, सांसदों और जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उनसे हस्ताक्षर लेकर फिर से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, मतलब दबाव बनाया जाएगा। और दबाव किस वक्त बनाया जा रहा है, जब कुछ ही महीने बाद, अब देखिए कि अभी से मुश्किल 1-2 महीने का वक्त बच गया है बिहार में, जब चुनाव की घोषणा होगी, आप 1 साल मान सकते हैं, ऐसे वक्त में सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है जब चुनाव 1 साल बाद बिहार में होने जा रहे हैं विधानसभा के, ऐसे वक्त में। इसके साथ साथ 29 जून की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर फैसला होगा। नीतीश कुमार का क्या भविष्य होगा, अभी आपने देखा कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया, फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस बैठक में
नीतीश कुमार के बाद कौन? कोई चेहरा तो पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का विकल्प पार्टी को ढूंढ लेना होगा और वो भी तय वक्त में, मतलब कि नीतीश कुमार के ठीक ठाक रहते हुए ही पार्टी को उसका विकल्प ढूंढना होगा। एक संकेत तो साफ तौर पर मिल रहा है कि अभी पार्टी का कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। पार्टी का कमान मतलब पार्टी में जो भी संतुलन बनाकर रखने की जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी। किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलनी है ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, मतलब एक दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए इस बैठक में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव होगा कि वो एक नया नाम, नया चेहरा बताएं। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो भी, चाहे वो नीतीश कुमार का वारिस ही क्यों ना हो या नीतीश कुमार के बाद जो नेता तैयार होगा वो क्यों ना हो, कोई भी चुना जाए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि केंद्र सरकार पर जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए नीतीश कुमार ने दबाव बनाए रखा है उसको वो बरकरार रखे। और दूसरी बात ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, क्योंकि हमेशा चुनावी मांग इसे कहा जाता रहा है और चुनावी साल में एक बार फिर से इसे उठाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनावी मांग की वजह से फिर से जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते खराब हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो 29 जून की बैठक होनी है इससे सरकार की सेहत पर कोई खतरा हो सकता है? आपको इसका कोई परिणाम नजर आता है? क्योंकि नीतीश कुमार तुरंत, मतलब कि अगर बैठक में कोई फैसला हुआ तुरंत वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उसके लिए 2-3 महीने का वक्त लेते हैं, पहले भूमिका बनाते हैं, फिर अचानक पता चलता है कि एक दिन वो सरकार छोड़कर चले गए। तो नीतीश कुमार कहीं यही स्ट्रैटेजी तो नहीं अपनाने जा रहे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।